अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महेंद्रगढ़ के खंड सतनाले में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों की बस पर आतंकवादियों द्वारा कायरतापूर्ण हमले की निंदा की और शहीदों को श्रद्धांजलि दी और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। राजनीतिक, सामाजिक व शिक्षा संस्थाओं ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता, आज देश के सपूतों को बलिदान नहीं देना पड़ता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमले की घटना से कड़ा सबक ते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नापाक हरकत को लेकर भारत को अब बैठने की बजाय पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और 44 जवानों के बदले 40,000 आतंकवादियों को मारना चाहिए। सरकार को आतंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर सवाई सिंह राठौड़, मोनिका नगर चेयरमैन व अन्य लोगों ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ रोष प्रकट किया। हमला हमारे सैनिकों को अगर पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, हमारे जो जवान 44 सैनिक भाई शहीद हुए हैं, हमें बहुत दुख है और हम कड़े शब्दों में पाकिस्तान की निंदा करते हैं। जय हिंद। हमारी इंडियन आर्मी के अंदर सीआरपी के बसों के ऊपर जो पाकिस्तान द्वारा सुनियोजित ढंग से कायराना हमला किया गया उसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं तथा भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारे 44 सैनिक शहीद हुए हैं उनके बदले में कम से कम 10,000 सैनिकों को हिंदुस्तान की आर्मी मारे, ऐसा हम भारत सरकार से आशा करते हैं कि आर्मी को अब ऑर्डर दे देना चाहिए कि जो चाहे आर्मी करे, उनको खुली छूट दे देनी चाहिए, तभी ये पाकिस्तान मानेगा, नहीं तो पाकिस्तान बाद में आने वाला है। सतनाली से सुनील तंवर की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।